चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। रूपा जी, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में क्या लग रहा है अभी? तो हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि यहाँ पर कीमतों पर कुछ दबाव है, बुआई भी ज़्यादा रह सकती है और किसान यहाँ पर अपनी सोयाबीन की बिकवाली भी कर रहे हैं खरीफ का खर्चा निकालने के लिए। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या अभी अगर बाई चांस गिरावट रहती है सोयाबीन में तो क्या इन फ्यूचर आने वाले कुछ महीनों के दौरान सोयाबीन में बढ़त बनेगी? देखिए, एक्सपेक्टेड तो है कि बढ़त बढ़ सकती है। अभी कि सभी एडिबल ऑयल पैक जो है वो दबाव में है। पाम ऑयल के अंदर भी हमने देखा है कि 7 से 8 रुपए पर लीटर की गिरावट आई है। सनफ्लावर ऑयल में भी 15 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल सोयाबीन में भी प्राइसेस में 15 रुपए पर लीटर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्राइसेस के अंदर प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि सकते हैं आगे चलकर, अगर डिमांड एक्सपेक्टेड है कि पिकअप हो सकती है, अगर स्टॉकिस्ट अगर एक बार फिर से इसमें स्टॉक करने लगे तो वापस से बाजार जो है उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए प्राइसेस जो है वो थोड़ा नीचे सस्टेन कर सकते हैं और आगे चलकर एक सोयाबीन लग रहा है ऐसा कि जिसमें पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म रैली में और आने वाला अगला हफ्ता फिलहाल खाद्य तेलों के लिए गिरावट वाला रह सकता है। जी, कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप खुशियों की अपनी दुकान।